हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है थ्री पॉइंट स्टार्टर के बारे में जानकारी लेंगे। कल हम लोग टू पॉइंट स्टार्टर के बारे में पढ़े थे, आज हम थ्री पॉइंट स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले टू पॉइंट, थ्री पॉइंट या फोर पॉइंट को हम समझेंगे कैसे कि कौन सा टू पॉइंट है, कौन सा थ्री पॉइंट है, कौन सा फोर पॉइंट है। तो ये जो है एक स्टार्टर का जो है ड्राइंग बना हुआ है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ये जो रेजिस्टेंस था जैसे था वैसे ही है। छः पॉइंट हैं इसमें इसको रेगुलेट करने के लिए और एक पॉइंट ऑफ है, ये कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल खाली रहता है। यहाँ पे हमारा लीवर रुका रहता है स्प्रिंग के माध्यम से। इसको लीवर को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले ये लीवर यहाँ आता है, एक नंबर पर लगता है, फिर आगे बढ़ाते हैं दो नंबर पर लगता है, आगे बढ़ाते हैं तीन नंबर पर, चार नंबर पर, पाँच नंबर पर और छः नंबर पर। इस तरीके से जो है इसके मैकेनिज्म है। ये थ्री पॉइंट कैसे है इसको देखते हैं। तो जब स्टार्टर को हम असेंबल करते हैं तो इसमें तीन कनेक्शन लेने के लिए जो पॉइंट निकला रहता है इसको हम थ्री पॉइंट बोलते हैं। दो निकला रहेगा टू दो बिंदु वाला बोलेंगे, और चार अगर निकला है तो चार बिंदु वाला बोलेंगे। सबसे पहले ये जानकारी लेना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये तीन बिंदु वाला कैसे है, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसमें होता क्या है कि इसमें हम जब सप्लाई देते हैं, ये हमने सप्लाई का सोर्स बनाया है, ये दिख रहा है, यहाँ से हमने सोर्स लिया हुआ है। तो चूंकि ये डीसी का होता है इसलिए डीसी सोर्स दिखाते हैं, और डीसी में एक प्लस और एक माइनस। प्लस का सोर्स हमेशा जो है स्टार्टर के जो लाइन वाला बिंदु है इसमें जोड़ते हैं, और इसका हम ट्रेसिंग करेंगे तो देखेंगे ये सप्लाई ये कॉइल से होते हुए इस लीवर पर आके लग गई, और इस लीवर को जब एक नंबर पर लगाते हैं तो यहाँ ट्रेस करिए गौर से कि ये सप्लाई ये रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ छः नंबर पर पहुँच रही है। यानी अगर हम ये कहें कि यहाँ पे 200 वोल्ट है या 220 वोल्ट है तो यहाँ पर हमको 220 वोल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना प्रतिरोध है उससे वोल्टेज घट जाएगा। और देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने ए लिखा हुआ है, यानी ये सप्लाई हमको आर्मेचर से, मोटर के आर्मेचर से जोड़ देनी होती है, तो इस सप्लाई को हम मोटर के आर्मेचर से जोड़ देंगे। और चूंकि यहाँ पे एफ लिखा हुआ है तो एफ मतलब फील्ड होता है, और ये हमारी फील्ड कॉइल है, तो इस सप्लाई को हम फील्ड कॉइल से जोड़ देते हैं। अब हम अगर गौर करें इसमें तो हम ये देख रहे हैं कि डीसी का जो निगेटिव पॉइंट है ये मोटर के साथ जुड़ गया, मोटर के आर्मेचर में और मोटर के फील्ड में जुड़ गया, और डीसी की जो पॉजिटिव सप्लाई है ये स्टार्टर के थ्रू ये हमारे फील्ड में और आर्मेचर दोनों में जुड़ी है। यानी अगर हम यहाँ पे गौर करें इस मोटर को गौर करें तो एक साइड से देख रहे हैं कि हमको यहाँ निगेटिव मिल रहा है और इस दोनों जगहों पर पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि डीसी मोटर है, इसको चलने के लिए निगेटिव और पॉजिटिव मिलना जरूरी है, इसीलिए इस तरीके से हम इसका कनेक्शन करते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं कि इस तरीके से हमने कनेक्शन करके अब हम अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो स्थिति क्या बनती है। अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ये एक नंबर से हमारा लीवर लगता है, तो ये पॉजिटिव सप्लाई है जो यहाँ पहुँच रही है। तो ये देख रहे हैं कि ये एक नंबर पे जो हमने सप्लाई दिया तो एक नंबर पर ये कनेक्शन हमने किया है ऐसा कि यहाँ से ये सप्लाई कॉइल से होते हुए ये फील्ड पर पहुँची। यानी कि जब हम एक नंबर पर लगाते हैं तो अगर यहाँ पे 200 वोल्ट सप्लाई चल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि 200 वोल्ट सप्लाई डायरेक्ट जो है हमारे फील्ड पर मिल गई, यहाँ पर 200 वोल्ट फील्ड पर मिल गया। लेकिन आर्मेचर पर कितना मिला, तो अब आर्मेचर के लिए चूंकि देख रहे हैं कि हम यहाँ से मिल रहा है इसलिए जब यहाँ लीवर लगाएंगे तो ये जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इससे वोल्टेज कम होते हुए
आर्मेचर पर मिलेंगे तो यहाँ पर 200 से कम वोल्टेज मिलते हैं। इसी तरीके से अब इस लीवर को हम आगे बढ़ाते हैं अगर दो नंबर पर, तो अब हम यहाँ से ट्रेसिंग करें तो देखें कि ये एक रेजिस्टेंस जो है क्या है कि ये फील्ड पर आ गया, यानी एक रेजिस्टेंस जितना वोल्टेज ड्रॉप करता है इतना वोल्टेज, अगर हम मान लें कि ये अगर 10 वोल्ट ड्रॉप करता है तो यहाँ पर हमको 190 वोल्ट आ गए, और जो सप्लाई यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस या 1, 2, 3, 4, 5 रेजिस्टेंसों से कम होता हुआ यहाँ पे मान लीजिए कि सारे ये 10-10 वोल्ट के हैं तो 5 से 50 वोल्ट कम हो गए, यानी 200 में 50 कम हो गए, तो यहाँ 150 मिल रहे थे। अब जब दो पर लगाएंगे तो यहाँ 200 के जगह पे 190 मिलने लगा, लेकिन यहाँ पर 160 मिलने लगा, यानी फील्ड पर सप्लाई घटी और आर्मेचर पर सप्लाई बढ़ी। इसी तरीके से अगर हम तीन नंबर पर इसको लगाएं तो क्या होता है, हम देखेंगे कि दो रेजिस्टेंस इधर हो गए और तीन रेजिस्टेंस इधर हो गए, या एक रेजिस्टेंस का हमने वैल्यू अगर 10 ओम मान लिया है तो हम अभी देखेंगे कि यहाँ पर 20 वोल्ट कम हो गए, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ 180 वोल्ट मिलने लगेंगे जब तीन नंबर पर लगाएंगे, और यहाँ पर अब हमारे जो है 170 वोल्ट मिलने लगे। इसी तरीके से चार नंबर पर लगाएंगे, यानी हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो आर्मेचर पर वोल्टेज बढ़ता जा रहा है और फील्ड पर वोल्टेज घटता जा रहा है। इसी तरीके से जब इसको लास्ट पॉइंट पर लगाएंगे यहाँ, तो अब हमको लास्ट पॉइंट पर लगा के इस लीवर को हमेशा पकड़ना नहीं रहता है, तो ये लीवर में ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये जो है मेटल होता है, चुंबकीय पदार्थ का बना हुआ, जब ये घूम के इस स्थिति में आता है तो यहाँ पे जो है क्वाइल जो है ये इस स्थिति में आता है और ये इसका यहाँ आ जाता है, तो ये इसको होल्ड कर लेता है, क्योंकि ये क्वाइल है इसमें सप्लाई चल रही है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इसके पास जब आता है तो ये होल्ड कर लेता है, इसीलिए इस क्वाइल को हम होल्डिंग क्वाइल के नाम से जानते हैं। तो ये इसको होल्ड करके रखता है, 6 नंबर पर ला करके लीवर को जब हम छोड़ देते हैं तो लीवर अपने आप यहाँ रुका रहता है और हमारी मोटर रन करती रहती है। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ओवरलोड क्वाइल दिया हुआ है, ये इसको हम कहते हैं ओवरलोड क्वाइल। इसका फंक्शन क्या है इसमें भी देखिए कि जब इस पर ओवरलोड पड़ता है तो इस क्वाइल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बनता है, इसके कारण ये जो लीवर है इस लीवर में आकर्षण होता है और ये आगे की तरफ जब बढ़ता है तो इन दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट को ये मिला देता है। इस दोनों कॉन्टेक्ट पॉइंट को मिलाने से क्या होता है कि इस होल्डिंग क्वाइल पर जो सप्लाई के द्वारा इसमें चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था, अब ये दोनों पॉइंट जो है शॉर्ट हो गए, यानी इसमें अब चुंबकीय क्षेत्र बनना ख़त्म हो गया, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बनना ख़त्म होता है तो ये इस लीवर का खिंचाव ख़त्म हो जाता है, और जिसके कारण क्योंकि ये स्प्रिंग के द्वारा यहाँ पहुँचा रहता है तो ये तुरंत जो है बैक आ जाता है और हमारी मोटर ऑफ हो जाती है। तो कोई भी हम ओवरलोड प्रोटेक्टर के तौर पर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसका मकसद यही होता है कि जैसे ही हमारे मशीन पर या हमारे स्टार्टर पर ओवरलोड पड़े तो वो अपने आप बंद हो जाए ताकि मोटर और स्टार्टर जले नहीं। तो इस तरीके से तीन पॉइंट स्टार्टर में हमने देखा कि अलग से क्या लगा हुआ है, एक अलग से लगा हुआ है ओवरलोड क्वाइल, जो कि दो पॉइंट वाले में ओवरलोड क्वाइल नहीं लगा था, होल्डिंग क्वाइल उसमें भी लगी थी, रजिस्टर उसमें भी लगा था, यहाँ पर एल और केवल ए था, यहाँ पर एल एफ ए। तो यही जो है दो पॉइंट और तीन पॉइंट के स्टार्टर में अंतर होता है, और आप लगभग इस सर्किट को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में फोर पॉइंट स्टार्टर का हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।